हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुडली। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। आज हम बात करेंगे गर्मियों के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट की, जो कि है सनस्क्रीन। आज मैं आपके सामने VLCC के 3D यूथ बूस्ट सनस्क्रीन जेल क्रीम का प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। ये प्रोडक्ट मैं पिछले इस ब्रांड का सनस्क्रीन में पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपसे अब इसका रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। यदि आप ये खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये रिव्यू बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सनस्क्रीन का यूज़ हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। सूर्य की किरणें कॉन्स्टेंटली हमारी स्किन को अफेक्ट करती रहती है। सूर्य में से निकलने वाली इंफ्रारेड रेस हमारे स्किन को डैमेज करती है, हमारे स्किन के ऊपर जो सेल्स हैं उसको डैमेज करती है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि आप अच्छे ब्रांड का सनस्क्रीन यूज़ करें। पिछले एक साल से इस VLCC का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, आई लव दिस प्रोडक्ट। इसके पहले मैं लोटस का करती थी, उसका भी मैं आपको रिव्यू ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, बट आज मैं आपसे VLCC के बारे में बात करती हूँ एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, तभी उसके बाद आप ईजिली डिसीजन ले सकते कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। ये प्रोडक्ट मैंने अमेजन से ख़रीदा था एंड ये मुझे 271 रुपीज़ में 100 ग्राम्स का मिला। तो चलिए सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक येलो स्क्वीजी ट्यूब में आता है विथ ऑरेंज फ्लिप कैप। ये इसका फ्लिप कैप के कारण ये काफ़ी हैंडी और ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है। इस तरीके से इसका ओपन होता है, क्लोज होता है, यू कैन सी दैट। ब्रांड के हिसाब से ये काफ़ी यूनिक फार्मूला है। ये जेल और क्रीम दोनों का काम एक साथ करता है, लेकिन जब आप इसे हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका क्रीमी टेक्सचर है, पर ये काम करता है जेल की तरह, क्योंकि जेल जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप देखेंगे ये विद इन 5 मिनट्स ही आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। 5 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, विद इन 2 मिनट्स बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके कारण इसका फॉर्मूला जेल और क्रीम दोनों बताया जा रहा है। देखिए बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो गया है। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मेरी स्किन ड्राई है, जब मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तो मुझे मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ये लगाने के बाद थोड़ा सा स्टिकीनेस फील हो सकता है, यदि आप किसी ह्यूमिड एरिया में जा रहे हैं इसे लगा के, या फिर थोड़ा सा गर्मियों के मौसम में से यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्टिकीनेस फील हो सकती है। वैसे तो ये काफ़ी लाइट वेट है, बट जब आप इसे स्किन पर अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी स्किन पर हैवीनेस फील होती है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्रीम है। ऑयली और अदर स्किन टाइप वाले लोग इसे अदर मौसम में इसे यूज़ कर सकते हैं, बट गर्मियों में मैं आपको इसे यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी फील होता है ये फेस पर। तो चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी इन्फ्यूज़ किए गए हैं, जैसे कि एलोवेरा है इसमें, कैरेट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुकुम्बर के एक्सट्रैक्ट्स हैं। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जिसको ब्रांड पे मेंशन भी किया गया है, सेक्सीफराग एंड मॉरस बॉम्बिसिस एक्सट्रैक्ट्स। ये दोनों एक टाइप की हर्ब्स होती हैं जो कि मॉइस्चर को लॉक करने में और एंटी एजिंग एजिंग की प्रोसेस को रोकने के लिए ये हर्ब्स काफ़ी यूज़ की जाती है। आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स में इन दो हर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हर्ब्स हैं ये। तो इन दोनों हर्ब्स का इसका यूज़ किया गया है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये पैराबिन फ्री है। पैराबिन फ्री होने के कारण ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, और अदर स्किन वाले से बिल्कुल ट्राई करें, और अगर आपको सूट होता है तो ही इसे यूज़ करें, और अदर मौसम में यूज़ करें। गर्मियों में आपको ये स्टिकीनेस फील दे सकता है।
इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। यदि आपके स्किन पे यू नो डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या आपको रिंकल्स है तो ये उनको भी क्योर करेगा। मुझे थोड़ी सी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम थी, तो जब से मैं ये प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मेरे डार्क स्पॉट्स काफ़ी फेड हो गए हैं। साथ ही आपकी स्किन को फ्रेश और यूथफुलनेस यू नो प्रोवाइड करेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है, बहुत यू नो माइल्ड फ्रेग्रेंस है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको लगा के बिल्कुल यू नो गुलदस्ता लगोगे, ऐसा नहीं, बट बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही प्यारी इसकी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। तो इसके लिए भी मैं इसे एक थम्सअप दूंगी। यदि आप कोई अच्छे सनस्क्रीन की तलाश में है तो मेरी मानिए, आप इस VLCC के सनस्क्रीन को ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन यूज़ किए हैं, बट मैं अगर पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट की बात करूँ ना, मुझे ये ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। ट्रस्ट मी, मुझे एक साल हो गया है इस सनस्क्रीन को यूज़ करते हुए। मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ इन कंपेरिजन टू अदर सनस्क्रीन। तो यदि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।